नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि एंड्रॉयड यूज़र्स जानते हैं, जिस भी कंपनी का फ़ोन हो, एक बहुत ही काम का ऐप है दोस्तों, डिजिटल वेलबीइंग। ये आप लोगों के सिस्टम में आता ही आता है, और नहीं आता है तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्या ही कमाल की चीज़ है, ये इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इसका कैसे आप इसको कस्टमाइज़ करके इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये कितना ज़्यादा आपके काम आ सकता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, जो स्क्रीन टाइमर आपको दिख रहा है टुडे 7 आवर 55 मिनट्स, ये आज जो मोबाइल की स्क्रीन ऑन हुई है, रही है ऑन, उसका ये पीरियड है। और कौन सा ऐप कितनी देर चलाया गया दोस्तों, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कितनी बार फ़ोन को अनलॉक किया गया, 89 टाइम्स अनलॉकिंग की गई। और ये लिखा आ रहा है, ये फ़ोन का अनलॉक है। कितनी बार किस एप्लीकेशन को ओपन किया गया, ये आप यहाँ देख सकते हैं। आपको एक एक एप्लीकेशन को ओपन और क्लोज़ करने की कहानी यहाँ दिख रही है, नंबर ऑफ़ टाइम्स में। इसी के साथ जो है दोस्तों, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आपको किस चीज़ के कितने नोटिफिकेशंस आए हैं, ये आप देख सकते हैं। हमारे किस किस एप्लीकेशन पर कितने नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको ये देखने को मिलते हैं यहाँ। आप स्क्रीन टाइमिंग जो देख रहे हैं, ये स्क्रीन टाइमिंग है कि किस एप्लीकेशन को आप कितना समय देते हैं, ये आपको जो है यहाँ से आसानी से देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, आइए पीछे वापस चलते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं डैशबोर्ड सेट, 7 टाइमर सेट किए हुए हैं हमने डैशबोर्ड में। और ये दोस्तों, ये जो टाइमर्स होते हैं, ये एक्चुअल में होते क्या हैं, ये आप देख रहे हैं जितने यहाँ पर लिखे हैं, 30 मिनट्स 0 मिनट्स 0 मिनट्स, इनको जो है दोस्तों हमने बैकग्राउंड से बंद कर रखा है। और बैकग्राउंड में बंद करने का कारण यही है कि इनको जो है, जब इंटरनेट का डेटा चल रहा होता है आपका, तो ये बहुत ज़्यादा डेटा आपका खाते हैं, बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, तो आप इनको ज़ीरो कर दीजिए, इन मिनट्स को, जिन एप्लीकेशंस का आप रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। और बाकी जो ऐप हैं देखिए, जिनको आज हमने दिन भर में एक बार भी ओपन नहीं किया है दोस्तों, वो सभी आपको यहाँ 0 मिनट्स शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है इसको भी सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो इनके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो दो ऑप्शंस हैं जिनके लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं। बेड टाइम मोड, ये दोस्तों क्या है, ये सबसे अच्छी कहानी है, मैं यहाँ पर बेस्ड ऑन शेड्यूल से कर देता हूँ। अभी देखिए, मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक बेड टाइम मोड पर मेरा फ़ोन रहेगा 7 दिन। अब दोस्तों, हो क्या गया है, मेरा फ़ोन हो चुका है पूरा ब्लैक एंड वाइट। जो भी कलर्ड कहानी होती है, देखिए मैं आपको आकर बता देता हूँ। ये देखिए आपको, ये जो हमारे वॉलपेपर ऐप हैं, और ये सारे आप नीचे जो मेन्यूज़ देख रहे हैं एक एक करके, ये सभी जो है आपको यहाँ से देखने को मिल रहे हैं कि ये अब हो चुके हैं ब्लैक एंड वाइट। और जिस भी एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे दोस्तों, वो जो है आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, आपको सारा कुछ ब्लैक एंड वाइट देखने मिल रहा है, क्योंकि ये बेड टाइम मोड जो है हमने इसको ऑन कर दिया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बंद कर दिया है, ये कलर चेंज हो गया है, और जो हमारा ब्लैक एंड वाइट कलर आपको दिख रहा था वो हट गया है। तो दोस्तों, इसको करने से होता क्या है कि जितनी सारी रात आपका फ़ोन जो है इस कलर मोड में आ जाता है ब्लैक एंड वाइट पर, और आपकी फ़ोन की स्क्रीन, मोबाइल की बैटरी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, और बैटरी भी बहुत कम यूज़ होती है ये बेड टाइम मोड पर। दोस्तों, इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है, मैं इस बेड टाइम मोड को ज़रा ऑफ़ कर देता हूँ, फोकस मोड। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड है, अगर आप मोबाइल फ़ोन पर कोई टेस्ट दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आप उन एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर लीजिए जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बार बार नोटिफिकेशंस भेजती हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर स्टार मेकर, जियो टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सभी मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये अब हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें, तो मैंने यहाँ पर टर्न ऑन कर दिया है। टर्न ऑन डिस्ट्रैक्ट करते से ही देखिए दोस्तों, ये सभी जो है ब्लैक एंड वाइट हो गए हैं। अब इनको जो है आप जैसे यहाँ सेट कर देते हैं कि कितने टाइम के लिए आप ये करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आप दिन सेलेक्ट कर सकते हैं,
टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा जितनी भी देर आप इसको बंद करना चाहें, ये हमने बंद कर दिया है। अब मैं इन पर्टिकुलर ऐप्स पर आपको लेकर चलता हूँ। देखिए नीचे आप देख पा रहे हैं व्हाट्सएप और स्टार मेकर जो है ब्लर हैं, ये इस तरीके से आप यहाँ और भी स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपको यहाँ ब्लर दिख रहा है। अब हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैंने स्टार मेकर पर क्लिक किया, देखिए लिखा आ गया है फोकस मोड इज ऑन, स्टार मेकर एंड अदर डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स आर पॉज्ड राइट नाउ। अब आप अगर आपने मान लीजिए 5 घंटे का 2 घंटे का 1 घंटे का आधे घंटे का जो भी आपने टाइम सेट किया हुआ है उससे ब्रेक लेके आप 5 मिनट इसको यूज़ करना चाहें तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये 5 मिनट के लिए ओपन हो गया है और 5 मिनट तक जो है दोस्तों ये ऐप आसानी से चलता रहेगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है ये आप देख सकते हैं, आप टेक अ ब्रेक अगर आपने जो सेट किया हुआ है उससे इन पांचों को एक साथ ब्रेक देना चाहते हैं तो यहाँ आप टाइम सेट करते हैं। मान लीजिए मैंने 15 मिनट का ब्रेक दे दिया है तो यहाँ लिखा आ गया है यू आर ऑन अ ब्रेक, फोकस मोड विल रिज्यूम एट, जैसे ही फोकस मोड का 15 मिनट का टाइम ख़त्म होगा तो ये रिज्यूम हो जाएगा, आप इसको यहाँ से भी रिज्यूम कर सकते हैं। और दोस्तों आप जब भी इनको हटाना चाहें तो आप यहां से टर्न ऑफ कर दीजिए, ये सारे ऐप जो है धीरे धीरे करके यहां लिस्ट में आ जाएंगे और अब डिस्ट्रैक्टिंग ऐप बिल्कुल नहीं रहेगा। आप इसको दोस्तों मैंने आपको वीडियो के बीच में बताया है कि कब ये सेट करना ज़रूरी होता है, कब आप चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, बार बार वहाँ से मैसेज ना आए, तो इस तरीके से आप यहाँ डिजिटल वेलबींग में आकर इनको सेट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो मैनेज नोटिफिकेशंस का ऑप्शन दे रखा है ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ जितने भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं आप देख पा रहे हैं इन सभी एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस को बंद करना, चालू करना, कौन सा नोटिफिकेशन आना चाहिए कौन सा नहीं आना चाहिए, स्क्रीन लॉक के टाइम, वॉलपेपर के टाइम, जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन्हें आप जो है यहाँ आसानी से अंदर मैनेज कर सकते हैं। हाल फिलहाल मैंने लगभग सारे एप्लीकेशंस के मेरे नोटिफिकेशंस को बंद कर रखा है। हेड्सअप के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है, जब भी आप मोबाइल चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं तो ये आपको बताता है कि आप कहीं पर वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे में आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप गिर सकते हैं और भी आपको चैलेंजेस आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जो पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इस ऑप्शन के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप पेरेंटल कंट्रोल नाम से ही समझ पा रहे हैं कि आप अपने फ़ोन के माध्यम से अपनी फैमिली, बच्चे, इन लोगों पर आप इनका स्टेटस देख सकते हैं, डेटा देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे क्या ये सभी मैनेज किया जाता है, ये सभी मैं आपको इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। हाल फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में डिजिटल वेलबींग के बारे में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको डिजिटल वेलबींग एक्चुअल में क्या होता है आज समझ आया होगा। आप इसको अप्लाई कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।